इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा में है, आप इसे मेडिकल का टर्म भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। हम आपको ये बताने वाले हैं कि ब्लैक फंगस कैसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि ये फंगस नाक के रास्ते आपके बॉडी में एंटर करता है। इस फंगस को गले में ही शरीर की एक बड़ी धमनी कैरोटिड आर्टरी मिल जाती है। आर्टरी का एक हिस्सा सीधे आँख तक पहुँचता है। ये दरअसल आर्टरी का ये वो हिस्सा होता है जो आँख तक खून पहुँचाता है। फंगस इसी खून में मिल जाता है और सीधे आँख तक पहुँच जाता है, फिर धीरे धीरे आँख को ये प्रभावित करने लगता है। इसी वजह से ब्लैक फंगस या ब्लड फंगस से जो भी मरीज संक्रमित होते हैं उनकी आँख निकालनी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे आँखों की रोशनी चली जाती है और उस जगह पर काले निशान पड़ने लगते हैं, और आखिर यही उपाय बचता है कि आँखों को निकाल दिया जाए। इस तरह के मामले दिल्ली में या मुंबई में हर दिन बढ़ रहे हैं। बाद में ये मामला अगर गंभीर हो जाए तो सीधे आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। अब सबसे पहले कि आपकी आंखों में ऐसा कौन सा रिएक्शन हो या ब्लैक फंगस की निशानियां क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। ब्लैक फंगस की चपेट में जब आंख में लालपन के निशान आए या सूजन के निशान आए तो आप इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आपकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, फिर आंखों में धीरे धीरे सूजन आने लगता है, नजर कमजोर पड़ने लगती है। जब मामला सीरियस होता है या जब मरीज सीरियस होता है तो ऐसे मरीजों की रोशनी भी चली जाती है। कोरोना का पेशेंट आंख की लालिमा या सूजन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कोरोना के मरीजों में ये फंगस बहुत तेजी से फैल रहा है। जब आपके दिमाग तक यानी मस्तिष्क तक जब ये फंगस पहुंच जाता है फिर क्या होता है, फंगस धमनियों के जरिए आपके दिमाग तक पहुंचता है और इसके बाद रोगी को अचानक लकवा मार जाता है या मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है या आप चलते चलते बेहोश होने लगते हैं। सिर में ऐसा दर्द होता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कई बार तो मरीज की मौत भी हो जाती है। दरअसल म्यूकोर माइकोसिस एक अलग तरह का फंगस है जो कि जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि खून के रास्ते आपकी आंखों तक पहुंचता है और फिर आंखों के रास्ते ये आपके दिमाग तक पहुंचता है। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस फंगस की वजह से ब्लड वेसल्स पूरी तरह सूख जाती हैं, जो गैंग्रीन की तरह दिखने लगती हैं। गैंग्रीन एक काले रंग का होता है, मतलब कि आपकी बॉडी पर जैसे ही ये फंगस फैलेगा वैसे काले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है। जिस पेशेंट को यानी जिस मरीज को शुगर की बीमारी है उसे खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहे हैं तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं और किसी अस्पताल में भर्ती हैं और आप ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं तब भी आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन वाली पाइप के रास्ते ये फंगस आपके दिमाग तक पहुंच सकता है।